बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी फूड विद इरम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे मिक्स सब्जी पुलाव। इतना ज़बरदस्त सा ये पुलाव तैयार होगा कि इसके बाद आप बाकी पुलाव और बिरयानी को भूल जाएंगे। सर्दी का मौसम है और ऐसी तमाम वेजिटेबल जो कि सर्दी के मौसम में ईजिली अवेलेबल हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो कैट स्किप किए वीडियो को देखिएगा एंड तक। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़बरदस्त से मिक्स सब्जी पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 3 कप मैंने बासमती चावल ले लिए, 2 से 3 बार अच्छी तरह पानी से इसको धो के फिर इसको मैंने पानी में भिगो दिया है तकरीबन 30 मिनट के लिए। बर्तन में शामिल कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल। अब कुछ खड़े मसाले इसमें डालेंगे, तो 1/2 खाने का चम्मच मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 अदद लौंग, 1 बड़ी मोटी इलायची, 1 दालचीनी का पीस और 1 बादियान का फूल मैंने ले लिए। 1 से 2 मिनट इन तमाम मसालों को हम फ्राई करेंगे, इससे मसालों की खुशबू जो है वो और ज़्यादा अच्छी आएगी। तो मसालों को मैंने भून लिया है, अब इसमें 1 कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो प्याज का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है, अब थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून और प्याज को 1 से 2 मिनट इसी तरीके से भूनेंगे। इस तरह प्याज का कलर निकलेगा और पुलाव का खूबसूरत सा कलर आएगा। 2 मिनट गुजर के अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन और अदरक, इसको भी 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें 1 अदद कटा हुआ टमाटर में शामिल कर रही हूँ, साथ ही हम मसाले इसमें डाल देंगे। तो 1 खाने का चम्मच नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया है, 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरह मसालों के साथ टमाटर को हम भून लेंगे। फ्रेंड्स, लजीज जायके के लिए इसमें मैं 1 अदद चिकन क्यूब शामिल कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये डाल देंगे और इसको भी टमाटर के साथ भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा मसाला हमारा ये रेडी हो रहा है। अब फ्रेंड्स, 2 अदद मैंने आलू ले लिए थे, आलू को छील के धो लिया था और इस तरह बड़े बड़े पीसेस में काट लिए और आलू को बड़े साइज में मैंने काटा है कि अगर बहुत पतला इसको हम काटेंगे तो जब पुलाव तैयार होगा तो उससे आलू ये टूट भी सकते हैं। साथ साथ आप लोगों ने पानी का छींटे भी लगाते रहते हैं। तो आलू 2 से 3 मिनट हुए मैंने भून लिए, आलू को चूंकि पकने में ज़रा टाइम लगता है इसलिए पहले मैंने आलू डाले। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 अदद कटी हुई गाजर, इसको भी आलू के साथ 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। कौन सी सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप मटर। तो ये वेजिटेबल पुलाव ऐसा खुशबूदार और मज़ेदार तैयार होगा कि ऐसे लोग जो कि वेजिटेबल ज़्यादा पसंद नहीं करते वो भी बेहद पसंद करेंगे। तो मटर को भी मैंने भून लिया है, अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ फूल गोभी, ये तकरीबन 1/2 कप मैंने ले ली है। फूल गोभी जल्दी पक जाती है इसलिए ज़्यादा इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए इसको भुनेंगे। और सबसे एंड पे इसमें हम शामिल करेंगे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भी 1/2 कप मैंने ले लिए, बस 1 मिनट के लिए इसको हमने भूनना है और इसके बाद इसमें हम पानी शामिल कर देंगे क्योंकि एंड पे जो दोनों सब्जियां हमने डाली हैं वो जल्दी से पक जाती हैं तो इसका कलर जो है वो हमने ख़राब नहीं करना। तो 3 कप हमने चावल लिए थे तो तकरीबन 5.5 कप इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, वो पानी की मेजरमेंट इसमें मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आप इससे ज़्यादा पानी डालेंगे तो उससे चावल टूट भी सकते हैं। साबुत हरी मिर्चें 3 अदद शामिल कर रही हूँ और इसको कवर करके इसमें बॉयल आने देंगे। तो पानी बॉयल होने शुरू हो गया है, अब इस मौके पे हमने नमक भी टेस्ट कर लेना है, अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो आप इसमें मज़ीद डाल सकते हैं। पानी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही होगा तो इसमें जब हम चावल डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट नमक होगा, तो नमक थोड़ा सा कम है तो इसमें थोड़ा सा और नमक डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमने चावल भिगो के रखे थे उसमें से पानी निकाल देंगे और चावलों को पानी में शामिल कर देंगे। अब साथ ही इसमें मैं 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका डाल रही हूँ, इससे चावल खिले खिले बनेंगे। 1 बार इस तरीके से चम्मच चला देंगे और सबसे पहले 3 से 4 मिनट तेज़ आँच पर चावलों को हमने पकने देने। 3 से 4 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे, तकरीबन 80% पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, तो आंच अब हमने हल्की कर देनी है। 1 बार इस तरीके से मिक्स करेंगे और दोबारा इसको कवर करके रख देंगे हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए।
10 मिनट गुजर गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये ज़बरदस्त सा खिला खिला मिक्स वेजिटेबल पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखें सारी वेजिटेबल जो हैं वो कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। तो इस रेसिपी को फॉलो करते हुए मिक्स वेजिटेबल पुलाव आप भी घर पे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को फिर प्रेस कर लें ताकि आप ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें टेस्टी फूड विद इरम।